नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन, भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हेयर फॉल के प्रॉब्लम के बारे में और उसके डाइट के बारे में। आपको आज मैं कुछ ऐसे फ्रूट्स बताऊंगी जिससे अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है या उनकी डेंसिटी कम हो रही है, आप वो फ्रूट्स लेके अपने बालों की डेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं और हेयर फॉल को रोक सकते हैं। मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी को अपने बालों से उनकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। वो अगर उनके बाल अगर बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उनको अच्छा नहीं लगता है, खासकर फीमेल्स को, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनके बाल की डेंसिटी कम हो गई है या शाइनिंग कम हो गया है या बाल उनके झड़ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं, उनका कॉन्फिडेंस का लेवल कम हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक्स पे बात करते हैं कि इसको कैसे रोका जाए डाइट के थ्रू और फ्रूट्स लेके आप इनको कैसे रोक सकते हैं। तो अब रीज़न कहाँ पे आता है कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है, तो हेयर फॉल्स क्यों होता है, जो अगर हमारा आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो गई है, हर कोई काम कर रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है प्रॉपर तरीके से फ्रूट्स लेने का, ना ही मिनरल्स मिल पा रहा है उनको प्रॉपर तरीके से, ना ही विटामिन्स मिल पा रहा है। तो अब कुछ विटामिन्स और कुछ मिनरल्स होते हैं जो बालों के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब वो विटामिन्स और मिनरल्स क्या क्या हो सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी और ई, और जैसे हमारे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे मिनरल्स और विटामिन्स हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर इनकी कमी होती है तो हमारे बाल कैसे होंगे, उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, उनकी शाइनिंग कम हो जाएगी और बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं तो हम उस पर नज़र डालते हैं। तो अगर हम पहले फ्रूट्स की बात करें वो है अनार। अनार में क्या होता है, विटामिन्स होते हैं और उनमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा रिच सोर्स माना जाता है। आप एक अनार रेगुलर बेसिस पे खा भी सकते हैं और उसका जूस भी आप ले सकते हैं। अगर हम दूसरे फ्रूट्स की बात करें तो नेक्स्ट है पपाया। पपाया बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रूट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी और हमारे बालों के लिए भी। अब पपाया में क्या पाया जाता है, इसमें विटामिन सी और विटामिन ए और मिनरल्स जो होते हैं हमारे मैग्नीशियम, ये सारे भरपूर मात्रा में इनमें मिलता है पपाया में। खासकर अगर आप पपाया रेगुलर बेसिस पे अगर दो स्लाइस भी आप ले रहे हैं तो उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ही अच्छा होगा और आपके हेयर ग्रोथ जो होगी वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और अगर आपके जो हेयर फॉल हो रहा है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट फ्रूट की बात करें तो वो है बनाना। जी हाँ, बनाना में क्या पाया जाता है और ये कौन से मिनरल्स और कौन से विटामिन का रिच सोर्सेस होता है, ये विटामिन ए और पोटेशियम, सोडियम और विटामिन बी और विटामिन सिक्स का ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे बनाना खा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके बालों के लिए भी। और एक और इसमें प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे बनाना खा रहे हैं तो एक तो आप कैंसर से बचेंगे, दूसरा आपके बालों की ग्रोथ जो होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। जो लोग बनाना खाना पसंद नहीं करते हैं तो वो बनाना का हेयर मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, उनको कुछ नहीं करना होता है। अगर आपको बनाना का मास्क यूज़ करना है अपने बालों के लिए तो दो बनाना लेना है, उसमें आपको ऑलिव ऑयल, एक अंडा और थोड़ा सा मिल्क आपको उनका पेस्ट बना के अपने बालों पे 2 घंटे के लिए लगा लेना है। उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, देन आप खुद ब खुद महसूस करेंगे। अगर आप ये हफ्ते में रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं या जिनके पास टाइम नहीं है वो हफ्ते में अगर 2 टाइम्स भी कर रहे हैं तो उनके बालों की जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी और बाल उनके कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा शाइनिंग भी होंगे और उनकी डेंसिटी वो भी इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा फ्रूट होगा वो है हमारा पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में क्या मिलता है, कौन से रिच सोर्सेज विटामिन्स के मिलेंगे, वो है विटामिन सी और कौन से मिनरल्स होंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और जिंक, ये सारे जो होंगे हमारे पाइनएप्पल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। आप पाइनएप्पल का जूस भी ले सकते हैं और आप इनको खा भी सकते हैं, जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं लेमन और ऑरेंजेस पे। इनमें विटामिन सी मिल पाया जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, ये आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है।
कभी कभी देखा गया है कि अगर स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो उसके वजह से भी हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लेमन और ऑरेंजेस इंटेक कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपके बालों की डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी, स्ट्रेस का लेवल भी कम होगा और आपके बाल बहुत ही देखने में भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये पाँचों फ्रूट्स के साथ साथ आप ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में सारे विटामिन और सारे जितने भी मिनरल्स हैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप रेगुलर बेसिस पे आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जिससे आपके बालों की स्ट्रेंथ अच्छी होगी और ग्रोथ भी आपका बहुत ही अच्छा होगा। अगर हेयर फॉल हो रहा है तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये सिर्फ फीमेल्स के लिए ही नहीं है, ये मेल्स भी कर सकते हैं। मेल्स भी अपने डाइट में फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। जिनको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है वो इस बात पे ज़रूर नोटिस करें कि उनको कौन कौन से फ्रूट्स खाने हैं, वो मैंने आज आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूँगी कुछ वेजिटेबल्स और कुछ अलग डाइट्स के बारे में, जिससे आप अपने रूटीन में शामिल करिए, जिससे आपके बालों की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा कम होती नज़र आएगी। ये फ्रूट्स हैं जिनकी मदद से आप अपने बालों हेयर फॉल को रोक सकते हैं, डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। कोई भी पेशेंट अगर हेयर फॉल से सफ़र कर रहा है तो ये डाइट अपना के अपने बालों की डेंसिटी को इंक्रीज़ कर सकता है। लेकिन अगर फ्रूट्स लेने के बाद भी या ये सारी डाइट फॉलो करने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे भारत होम्योपैथी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको हेयर फॉल हो रहा था, भारत होम्योपैथी से मेडिसिन लेके अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, अब उनको हेयर फॉल की समस्या नहीं रही है। तो जो भी पेशेंट सफ़र कर रहे हैं हेयर फॉल से, उनका मैं भारत होम्योपैथी में स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन मेडिसिन भी ले सकते हैं। अगर आप पर्सनली मुझसे मिलना चाहते हैं ओपीडी में, तो आपको क्या करना होगा, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।